अक्सर 2 जो है ये एक लव स्टोरी है और दो प्यार करने वालों की कहानी है और उस के बीच उनको क्या-क्या चीजों से गुजरना पड़ता है उस चीज की कहानी है. आई एम प्लेइंग शीना एंड मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अबाउट दिस गर्ल हु थिंक्स दैट उसको एक जॉब मिल जाएगा तो दैट्स गोना बी द एंड ऑफ हर ट्रबल्स. बट होता उल्टा है कि उस जॉब की वजह से वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाती है और किस तरीके से वो इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आती है इज द स्टोरी ऑफ माई कैरेक्टर. एंड आई एम romancing Abhinav Shukla in this movie. He is playing my love interest. He is playing my boyfriend. ये जो है ये इनको मैं romance नहीं कर रही picture में. ये कोई love triangle नहीं है, extra marital affair की कहानी नहीं है. Basically एक opportunity मिलती है सबको जिसको लगता है कि सिर्फ उसी को मिल रही है. मगर जब आप उस situation में घुसते हैं तो सबको लगता है वो control कर पाएंगे उस situation को. मगर जब घुसते हैं तो पता चलता है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं. तो विलिंगली अनविलिंगली कैसे उस गेम को खेलना पड़ता है सर्वाइवल के लिए इन सारे कैरेक्टर्स को जो भी इन्वॉल्व हैं. सो कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें सब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं सबके. तो उस तरीके से बहुत ही मज़ेदार रही फिल्म प्ले करने के लिए. कोई टिपिकल मसाला फिल्म वैसी नहीं मिलेगी आपको. एक अच्छी स्मार्ट सस्पेंस थ्रिलर है जिसे करके बहुत मज़ा आया. एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी क्योंकि उसमें फिल्म में बहुत सारे सरप्राइजेस थे. लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ था. सो और उसके सॉन्ग्स भी सुपर हिट थे. सो अक्सर 2 अक्सर 1 के कंपैरिजन में देर इज़ नो आई मीन सिमिलैरिटी इन द स्टोरी. लेकिन उसी ही तरह इस फिल्म में भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं. सो दैट्स वाई हम अपनी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर बोल रहे हैं और इसीलिए हमारा जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, वो अभी तक लोगों को नहीं पता. सो जैसे मोहित ने बोला कि बीच में जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो उसी तरह हम भी जो मैं रिकी है, आई एम प्लेइंग रिकी, जरीन इज़ प्लेइंग शीना एंड गौतम इज़ प्लेइंग पैट्रिक, ही इज़ प्लेइंग बच्चन. सो ये सब के सब जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में एक तरह से बंधे हुए हैं और वो एक ट्रैप में हैं. तो फिल्म पूरी उनकी जर्नी है. सर 2 में जो कैरेक्टर्स हैं हम लोग सब आई गेस जो अक्सर आजकल होता है कोई ना कोई ग्रे तो होता ही है. तो इट्स ऑल ग्रे शेड कैरेक्टर्स एंड इसके अंदर सब बुरी चीज़ों का जो जड़ है वो पैसा होता है. तो इसमें भी यही है. एक जाल बिछ चुका है और हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे बाहर निकलें. अनवांटिंगली ये सब होता है. हमें ऐसा लगता है कि चलो लाइफ चल रही है ठीक ठाक और अचानक से कोई ट्विस्ट या टर्न आता है आपकी कहानी में, आपकी रियल लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में. तो उससे आप कैसे नेक्स्ट स्टेप जाते हो वो फिल्म में है और हम चाहेंगे 6 अक्टूबर को आप देखें.